हेलो भाई, नमस्कार। मेरा नाम है विश्वजीत और स्वागत है आप सभी का मेरे को नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूंडई क्रेटा के बेस ई वेरिएंट के बारे में। मैं जानता हूँ काफ़ी मेरे भाइयों को ह्यूंडई क्रेटा का जो बेस ई वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन ह्यूंडई मोटर्स वालों ने इसका प्राइस जो है फिर से बढ़ा दिया है और दो फीचर्स भी ऐड करे हैं। तो कौन से वो दो फीचर्स है और कितनी प्राइस बढ़ाई है वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले इतना बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, अगर बात करें तो ह्यूंडई ने जो अपना बेस ई ट्रिम है उसका प्राइस 5,000 रुपये से बढ़ा दिया है। और जो अगर आप बात कर रहे होगे तो पेट्रोल वेरिएंट के अंदर क्रेटा का ई बेस वेरिएंट 10.28 लाख एक्स शोरूम पड़ जाता है एंड डीजल के अंदर 10.75 लाख एक्स शोरूम आपको पड़ जाता है। जो रेस्ट ऑफ द लाइनअप है जो कि आपके अपर वेरिएंट से एस एस एक्स और एस एक्स ऑप्शनल, वो तो सब सेम ही रहेंगे। लेकिन बात कर लेते ई के बारे में तो 5,000 रुपये आपको बढ़ा दिए गए हैं। इस गाड़ी का जो है रिसेंटली ग्लोबल एनसीएपी टेस्ट रेट किया गया था, जहाँ पे इसको 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। मेरे हिसाब से इतनी बड़ी और महंगी गाड़ी के लिए 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग बहुत ही ज़्यादा कम है। बात कर लेते हैं क्रेटा बेस वेरिएंट के बारे में तो क्या क्या अपडेट हुआ है। तो पहली बात तो कि इसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS जो है वो लगा दिया गया है। ये फीचर पहले भी आता था लेकिन ह्यूंडई वालों ने बेस वेरिएंट से निकाल दिया था, तो फिर से इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। सेकेंड बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मेजर अपडेट मिलता है रिवाइज्ड LED टेल लाइट टेल लैम्प क्लस्टर के साथ, जो कि स्मोक्ड डार्क ट्रीटमेंट के अंदर आती है। इसका फ़ायदा ये है कि अब गाड़ी जो है स्पोर्टियर लगेगी पहले से ज़्यादा। इसके अलावा गाड़ी में कोई भी ज़्यादा अपडेट नहीं है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि क्रेटा के अंदर कौन कौन से फीचर आते हैं। तो यहाँ पे आपको 7 इंच की 7 डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक, एक पैनारोमिक सनरूफ जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जो कि पावर एडजस्टेबल यानी मोटराइज्ड होती है, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आती है, वायरलेस चार्जिंग आता है, और भी कई ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। पावर ट्रेन की बात करें तो यहाँ पे आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 114 bhp की पावर, 144 Nm का टॉर्क निकालता है। दूसरा 1.5 लीटर का डीजल यूनिट जो कि 114 bhp की पावर एंड 250 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। दूसरा आता है 1.4 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि 138 bhp की पावर, 242 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। जो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन है वो आपको 6 स्पीड के मैनुअल एस स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं, और उसके साथ आपको ऑटोमेटिक एंड 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर CVT के साथ भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यही थी डिटेल्स अपडेटेड ह्यूंडई क्रेटा के बेस वेरिएंट एंड ओवरऑल फीचर्स के बारे में। वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसकी सेफ्टी रेटिंग्स और जो प्राइस बढ़ाई है उसके बारे में आपके क्या विचार है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू सो मच।